नमस्कार, लोकहित इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुझ कुमार। सबसे पहले जानते हैं कि ये टूर ऑफ ड्यूटी है क्या। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि ड्यूटी एक टूर के रूप में होगी, यानी कि 3 साल के अनुबंध पर होगी। सेना जवानों को भर्ती करेगी, ट्रेनिंग देगी, 3 साल तक काम करवाएगी, इसके बाद जवानों को घर भेज दिया जाएगा वापस। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा तो है, 3 साल के लिए नौकरी होगी, इसके बाद रिटायर कर देंगे, फिर पेंशन मिलेगी। तो भूल जाइए, पेंशन के नाम पर आपको एक पैसा नहीं मिलने वाला है। हाँ, कुछ रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि सेना निकाले गए जवानों को रोजगार मुहैया कराने में मदद करेगी, यानी कि जो सरकारी भर्तियां होती हैं, अन्य जो भर्तियां हैं जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक वगैरह, तो इनमें इन भर्तियों में छूट दी जाएगी। अब आप ज़रा सोचिए कि लगातार 3 साल ट्रेनिंग और ड्यूटी के बाद जो नौजवान बाहर निकाला जाएगा, क्या वह इन भर्तियों में नौकरी पाने में सक्षम रहेगा? क्या वह फिर से कंपटीशन की तैयारी करने में सक्षम रहेगा? ये किस तरह की अनिश्चितता है कि एक नौजवान जिंदगी भर तैयारी करता रहे, पहले वह आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ की तैयारी करे, लिखित परीक्षा की तैयारी करे, 3 साल वहाँ खून पसीना बहाने के बाद वापस आए और फिर से तैयारी में लगा दिया जाए। मान भी लिया जाए कि वो सक्षम होगा अन्य भर्तियों की तैयारी करने के लिए, तो ज़रा पता लगाइए कि पिछले 7-8 सालों में बैंक में, रेलवे में और एसएससी में, इन सब को मिलाकर कितनी नौकरियां आईं। जो 2-4 भर्तियां निकाली भी गईं, क्या उनको पूरा किया गया? बैंकों में भर्तियों के लिए आईबीपीएस नाम की एक संस्था बनाई गई थी, ज़रा पता लगाइए कि आईबीपीएस जिंदा भी है कि मर गया। रेलवे में 3-3, 4-4 साल पहले फॉर्म भरवा कर पैसा लेकर सरकार बैठी हुई है, परीक्षा होती है तो परिणाम नहीं आते, न भर्तियां होती हैं। राज्यों की भर्तियों से भी आप लोग भलीभांति परिचित हैं। हर एक सरकारी विभाग में आउटसोर्सिंग के जरिए 10,000, 12,000, 14,000, 20,000 की तनख्वाह पर नौकरियां दी जा रही हैं, वह भी घूस लेकर। स्टेट लेवल की भर्तियों में आउटसोर्सिंग तो अलग बात थी, न सिर्फ सेना बल्कि नौजवानों के साथ भी एक छलावा नजर आता है। इकोनॉमिक टाइम्स अखबार के अनुसार टूर ऑफ ड्यूटी योजना को साल 2020 में सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने द्वारा आगे बढ़ाया गया था। टाइमिंग याद रखिएगा, साल 2020 में जब से इस योजना को आगे बढ़ाया गया, तब से आर्मी में भर्तियां रुकी हुई हैं। ऐसा लगता है कि यह खेला कोरोना का नहीं, कुछ और ही था। अब सरकार में शीर्ष स्तर पर इस संबंध में हालिया महीनों में बातचीत हुई है। हालांकि योजना की अंतिम रूपरेखा का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। अब आते हैं इस सवाल पर कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है, तो इसका जवाब है पैसा। सरकार पैसे बचाने के चक्कर में ये सब कुछ कर रही है। कुल मिलाकर सरकार आर्मी के जवानों को पेंशन देने से बचना चाहती है। इसको ऐसे समझिए जैसे कि साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और सरकार को ये मालूम है कि नौजवानों के बीच आर्मी भर्ती को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में भर्ती भी करानी है और पैसा भी बचाना है, तो इसमें गणित ये है कि मान लीजिए सरकार ने इस साल 10,000 पदों पर भर्ती की, दूसरे साल भी 10,000 पदों पर भर्ती की और तीसरे साल भी 10,000 पदों पर भर्ती की। अब सेना के पास कुल मिलाकर 30,000 ऐसे सैनिक हो गए। चौथे साल जब सेना 10,000 नए पदों पर भर्ती करेगी तो पुराने वाले में से 10,000 को छांट देगी, क्योंकि उनका 3 साल पूरा हो गया। अब इस तरह से हर साल 10,000 नए सैनिक पुराने सैनिकों को हटाया जाएगा और 10,000 नए सैनिक जुड़ जाएंगे। होगा ये कि एक तरफ सरकार गिनवाएगी कि हमने इतने रोजगार दिए और ये नहीं गिनवाएगी कि इतनों को रोजगार से बाहर कर दिया। इससे लाभ ये होगा कि निकाले गए किसी भी सैनिक को पेंशन नहीं देना पड़ेगा, जिससे सरकार को ढेर सारा पैसा बचा लेगी सरकार। तो ये सारा खेल पैसा बचाने का है। एक और बात है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तमाम प्राइवेट कंपनियां हैं जो चाहती हैं कि सेना द्वारा ट्रेंड लोग उन्हें मिले, वे अपनी कंपनियों में इन्हें नौकरी देंगे ताकि अच्छा काम हो। वाराणसी में एक विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां पर आर्मी से रिटायर्ड नौजवानों को सुरक्षा गार्ड की नौकरी दी गई है। कभी मौका मिले तो जाकर इन सुरक्षा गार्ड्स का हाल चाल लीजिए और जानिए कि इनके जीवन में क्या चल रहा है। कई बार इन सैनिकों ने हमें फ़ोन पर बताया कि इन्हें 6-6 महीने तक तनख्वाह नहीं दी जाती है और ड्यूटी इतनी ली जाती है कि यदि इनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी न होती तो ये नौकरी छोड़कर भाग जाते। इनसे 12 घंटा 14 घंटे की ड्यूटी ली जाती है, ये नौजवान खुद बताते हैं। और इन नौजवानों को जो सेना पर बॉर्डर पर खड़े होकर गोली खाने के लिए तैयार होते हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है कि अपने साथ हो रहे इस अत्याचार का विरोध कर पाएं, क्योंकि जैसे ही ये विरोध करेंगे इनको लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। ये स्थिति है। सेना से बाहर आने के बाद ये लोग नौकरी किस तरह से करते हैं अंदाजा लगा लीजिए। ये वीडियो शूट करने से पहले हम कुछ लोगों से इसी मामले पर चर्चा कर रहे थे, तभी उनमें से एक व्यक्ति ने बताया कि मैं सेना से रिटायर्ड हूं और बिजली विभाग में संविदा पर नौकरी कर रहा हूं।
मुझे जब नौकरी दी गई थी तो 20,000 रुपया मिलता था, धीरे धीरे ये घटकर अब 12,000 पर आ गया है। 2,000 की कटौती हुई और अब मैं 12,000 की नौकरी कर रहा हूँ। विरोध करने पर अधिकारी बोलता है कि नौकरी करना हो तो करो, नहीं तो घर जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत लोग लाइन लगाए हुए हैं। तो ये हाल चाल है सेना से रिटायर होने के बाद दूसरी नौकरियों का। ये वो लोग हैं जो कई साल तक सेना में नौकरी करके आते हैं और बेहतरीन सेवा देकर आते हैं, कुछ अगर दाग लग गया तो ये नौकरी भी नहीं मिलती है। अब यहाँ एक गंभीर सवाल है कि क्या ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? 3 साल तक जो नौजवान सेना के भीतर काम रहकर काम करेगा उसको सेना की तमाम लोकेशन, पोजीशन और अन्य चीज़ों की जानकारी होगी। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि सेना के से बाहर निकालने गए इन नौजवानों का कोई आतंकवादी संगठन लाभ उठा सकता है? यदि आप उन सैनिकों को पेंशन नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका उन पर उस तरह का अधिकार भी नहीं होगा जिस तरह से बाकी रिटायर्ड सैनिकों पर होता है सेना से बाहर निकलने के बाद। इस सारे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि क्या खर्च कम करने के लिए सरकार के पास कोई और रास्ता नहीं है? एक तरफ तो बड़े बड़े धन्ना सेठों का कर्जा माफ कर दिया जाता है, हजारों करोड़ रुपया लेकर बड़े बड़े पूंजीपति फरार हो जाते हैं या फिर फरार करा दिए जाते हैं। रिलायंस और बाबा रामदेव की पतंजलि जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां सरकार को करोड़ों का चूना लगा रही हैं। बाबा झामदेव की कंपनी का मैं जल्द ही आपको ब्यौरा दूंगा किस तरह से इन्होंने देश को लूटने का और जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है, और सवाल पूछने पर ऐसे बिगड़ जाते हैं जैसे बहुत बड़ा एहसान किया हो। वहां सरकार कुछ नहीं कर रही है। पिछले दिनों खबर आई थी कि सेना का बजट कम कर दिया गया है। पहले की सरकारों में ऐसा बहुत कम होता था। सेना के अधिकारियों ने इस बात पर सवाल भी उठाया था कि सेना के पास हथियारों और अन्य चीज़ों की कमी है, सेना की चुनौतियां बढ़ रही हैं, ऐसे में सेना का बजट कम करना ये ठीक नहीं है सेना के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए। हमारे देश में नेताओं के खर्चे कम नहीं होते। साल 2020 में प्रधानमंत्री जी के लिए 8,400 करोड़ रुपए से एक विशेष प्लेन खरीदा गया। उस वक्त राहुल गांधी ने ट्वीट कर बताया था कि जितने में पीएम मोदी के लिए एक प्लेन खरीदा गया उतने में सियाचिन में तैनात जवानों के लिए 30 लाख गर्म कपड़े, 60 लाख जैकेट व दस्ताने, 76,20,000 जूते और 16,80,000 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे जा सकते थे। सेना को इन चीज़ों की भारी कमी है। आगे राहुल गांधी ने लिखा कि पीएम को अपनी इमेज की चिंता है, सैनिकों की नहीं। ठीक इसी तरह से यदि आप प्रचार प्रसार पर खर्च होने वाले रुपयों पर ध्यान देंगे तो सरकार अपनी योजनाओं और अपना चेहरा चमकाने में जितना खर्च करती है आपकी खोपड़ी घूम जाएगी, होश उड़ जाएंगे आपकी। ऐसे तमाम रास्ते निकाले जा सकते हैं जिनसे कम से कम सेना को इस तरह के कदम उठाने से रोका जाए, मगर ये सब कुछ तब हो सकता है जब सरकार चाहे। फिलहाल देखना यह है कि देश का नौजवान क्या चाहता है। क्या अपनी बढ़ती बेरोजगारी और सालों के इंतजार के बाद वो 3 साल की नौकरी पाकर खुश हो जाएगा और बोलेगा कि 3 साल की नौकरी देने के लिए थैंक यू मोदी जी, या फिर वह अपने हक की मांग करेगा? मेरे हिसाब से इस तरह के अनुबंध की नौकरी कम से कम सेना में तो नहीं होनी चाहिए। आपको शायद याद होगा साल 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के निजीकरण का मामला उठा था। बिजली विभाग के तमाम कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और काम बंद कर दिया, बिजली व्यवस्था ठप होने लगी, जिसके बाद मजबूरन सरकार को निजीकरण का फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन अब सरकार ने उसका दूसरा रास्ता निकालने का प्रयास किया है। बिजली विभाग में धड़ल्ले से छोटे से लेकर बड़े पदों पर आउटसोर्सिंग या संविदा पर भर्ती हो रही है। अब सरकार के लिए बिजली विभाग का निजीकरण करना पहले से आसान होगा, यानी बेचना आसान होगा। कैसे होगा? क्योंकि जब सरकारी कर्मचारी विरोध करेंगे और काम बंद करेंगे तब उनका काम संविदा पर काम करने वाले लोग करेंगे, क्योंकि संविदा वाले विरोध नहीं कर पाएंगे, ये आउटसोर्सिंग वाले हैं, वो विरोध नहीं कर पाएंगे। जैसे ही वो विरोध करने की कोशिश करेंगे उनको लात मारकर बाहर कर दिया जाएगा और सरकारी कर्मचारी ऐसे में मजबूर होंगे, वो विरोध नहीं कर पाएंगे। पिछली बार सरकार को इसी वजह से झुकना पड़ा था क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त लोग नहीं थे बिजली सप्लाई देने के लिए। बहरहाल सेना में टूर ऑफ ड्यूटी यानी 3 साल के अनुबंध पर भर्ती के मामले में आप क्या सोचते हैं? ये वीडियो आपको कैसा लगा ये सारी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप भी देश के नागरिक हैं। नागरिकता मिल जाने से आप नागरिक नहीं होंगे, नागरिक हैं तो उसके साथ आपकी जिम्मेदारियां भी हैं। देश में क्या कुछ हो रहा है, क्या देश के पक्ष में है, क्या देश की जनता के पक्ष में है, और क्या जनता को डुबाने वाला है, उसको बर्बाद करने वाला है, ये सारी बातें जन जन तक पहुंचनी चाहिए। देश का जो गोदी मीडिया है वो आपको इन बातों पर चर्चा नहीं करेगा। अगर वो इन बातों पर चर्चा भी करेगा तो वो सिर्फ एक बात कहेगा कि इससे सेना जवान होगी, सेना जवान होगी, जबकि जो असलियत होगी वो उसको छुपा देगा। अभी जो हमारी सेना है क्या वो जवान नहीं है, क्या वो बुजुर्ग है?
सेना में अब आपको मालूम है कि अब जो युद्ध होंगे वो बाजुओं के बल पर नहीं होंगे, वो युद्ध होंगे हथियारों के बल पर और टेक्निक्स के बल पर, अनुभव के बल पर। तो अनुभव एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। 3 साल के लिए जो सैनिक लड़ने जाएगा, और ज़रा सोचिए एक सैनिक जो 3 साल के लिए गया है, जब उसको गोली खाने की बारी आएगी तो वो सोचेगा 3 साल की नौकरी के लिए कौन जाए गोली खाने, चलो घर अपने, ये बात भी आ सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बहरहाल वीडियो ना लंबा हो इसलिए यहीं पर अंत करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आगे भी जो इसमें होगा हम आपको समयबद्ध तरीके से बताते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।